नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम पाथ फाइंडर में। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए अपडेट्स लेकर आई हूं जो कि एनटीए जेई मेंस एग्जामिनेशन 2022 सेशन 2 से रिलेटेड है। अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल से जुड़े हो तो इसे ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। और जैसा कि आपने वीडियो के थंबनेल में देखा है, एनटीए जेई मेंस एग्जामिनेशन 2022 सेशन 2 के जो अपडेट्स है वो रिलीज़ हो चुके हैं। तो सेशन 2 अपडेट्स के लिए आप डायरेक्टली हमारे अटैचमेंट सेक्शन में, यहाँ सबसे लास्ट में आकर इस एडमिट कार्ड नोटिस मेंस सेशन 2 PDF जब आप यहाँ से डाउनलोड करोगे तो आपको एक ऐसी डॉक्यूमेंटेशन मिलेगी। आप देख सकते हो यहाँ पे मेंशनड है कि जो एडमिट कार्ड है कैंडिडेट्स का जो भी अपियर होने वाले हैं पेपर वन ऑफ जेई मेंस 2022 स्टार्टिंग फ्रॉम 25 जुलाई 2022, यानी कि जो 25 जुलाई 2022 से जो एग्जामिनेशन कंडक्ट होने वाले हैं उसके लिए जो एडमिट कार्ड्स है कैंडिडेट्स के वो ऑलरेडी अवेलेबल हो चुके हैं। तो आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर डायरेक्टली जाकर वहाँ से आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो। साथ ही मैं आपको बता दूं, यहाँ पे मेंशन है कि एडमिट कार्ड उन कैंडिडेट्स के एडमिट कार्ड जिन्होंने इंडिया के बाहर अपना जो ये सेंटर है वो ऑप्ट किया था, उनके लिए अभी ये डिस्प्ले नहीं हुई है, उनके एडमिट कार्ड्स अभी तक डिस्प्ले नहीं हुए, बट वो जल्दी होने वाले। तो आप 25 जुलाई 2022 के एग्ज़ाम से पहले आपको वो जो डेट है वो स्केड्यूल कर दी जाएगी और आपके एडमिट कार्ड आपका जो एडमिट कार्ड है आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। इसी के साथ यहाँ पे मेंशन है कि जो एडमिट कार्ड है कैंडिडेट्स जो भी अपियर होने वाले हैं पेपर टू में, यानी कि बी आर्क और बी प्लानिंग में जेई मेंस 2022 सेशन 2 में, उनके लिए भी अभी तक डिस्प्ले नहीं हुई है, पर उनका जो ये एडमिट कार्ड है वो डिस्प्ले हो जाएगा बहुत ही जल्द। और जो एग्ज़ाम है वो 30 जुलाई 2022 को स्केड्यूल किया गया है, यानी कि 30 जुलाई 2022 को एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाला है, तो उससे पहले आपको नोटिफिकेशन दे दी जाएगी। इसी के साथ यहाँ पे मेंशन है कि कैंडिडेट्स को एडवाइज़ किया जाता है कि आप अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड करके रख ले पहले ही यूजिंग अपना एप्लीकेशन नंबर एंड डेट ऑफ बर्थ, यानी कि आपको दिए गए इस वेबसाइट पे टैप करना है। जब आप वहाँ जाओगे आपको डायरेक्टली अपना एप्लीकेशन नंबर एंड डेट ऑफ बर्थ वहाँ पे फिल करके आप वहाँ से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो। इसी के साथ यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने आपको ये पूरी ऑफिशियल नोटिफिकेशन एक्सप्लेन कर दी है। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई क्वेरीज है या कुछ भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो आप अपने बाकी फेलो कैंडिडेट्स के साथ शेयर करना चाहते हो तो आप डायरेक्टली हमारे प्लेटफॉर्म alert.exampathfinder.com पर आकर जब आप इस डिस्कस बटन पर टैप करते हो तो आप हमारे कम्युनिटी फोरम पर आते हो। इस कम्युनिटी फोरम पर आप देख सकते हो यहाँ पर नीचे एक राइट और रिप्लाई का सेक्शन है। इस राइटर रिप्लाई के सेक्शन में जब आप अपने डाउट्स, क्वेरीज या कुछ भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मेंशन करते हो तो आपके बाकी फेलो कैंडिडेट्स भी इनमें रिप्लाई कर सकते हैं, वो भी अपने पॉइंट ऑफ व्यूज यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। और आपके हेल्प के लिए मैं हमारे इस कम्युनिटी फोरम की जो लिंक है वो भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। गाइज, आई होप आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी। और अगर आपको हमारा ये इवेंट अपने किसी फैमिली मेम्बर्स या किसी भी फ्रेंड के साथ शेयर करना है तो आप डायरेक्टली इस शेयर बटन को प्रेस करके यहाँ से शेयर कर सकते हो। और अगर आपको इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन से सारे अपडेट्स चाहिए तो आप यहाँ से सब्सक्राइब भी कर सकते हो। आई होप आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी। और अगर आप ऐसे अपडेट्स के साथ बने रहना चाहते हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू सो मच गाइज, ऑल द वेरी बेस्ट।